एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपको नैरो पैंट में ये ब्यूटीफुल सी मोरी की डिज़ाइन बताने वाली हूँ। सो यहाँ पे मैंने पैंट को लगभग रेडी कर लिया है। नीचे की साइड को, बस एक साइड को भी हमने नहीं सिला है, फिटिंग की सिलाई नहीं दिया है यहाँ पे। अब चलिए मोहरी की डिज़ाइन यहाँ पे बनाते हैं हम। तो अभी हम पैंट को साइड कर लेते हैं और जो हमने फ्रिल वाली डिज़ाइन बनानी है इसके लिए हम यहाँ पे 4 पीसेस इस तरह से लंबी पट्टी लेंगे और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे लगभग 3.5 इंच तक रख रही हूँ। अब हमें क्या करना है, ये हमारा 4 पीसेस में है और इसे हमें सबसे पहले क्या करना है, एक एक करके दोनों साइड पे हमें इस तरह से पतली पतली सी इस फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरह से सिलना होगा दोनों साइड को। तो चलिए एक एक करके हम सारे को सिल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड्स को अच्छे से सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने पैंट को लेंगे और नीचे की जो मोरी है इसकी जो फिटिंग है, जितने कपड़े हैं वो हम यहाँ पे मापी कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 8 इंचेस आ रहा है। तो अब हमें जो फ्रिल बनानी है वो लगभग 8 इंचेस की बनानी है और 1 8 इंचेस से थोड़ा बड़ा बनाना है ताकि इसे हम ऊपर ऐड कर सकें। तो हमें सबसे पहले सेंटर लेना होगा इस पट्टी की और सेंटर पे हम इसमें इस तरह से देखिए धीरे धीरे से पूरे में हम फ्रिल बना के इसे रेडी कर लेंगे। तो बाकी जो फ्रिल है इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। देखिए एक मैंने छोटी बड़ी बनाई है यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बताया। तो अब चलिए हमें यहाँ पे अपनी पैंट को लेते हैं और हमें यहाँ पे अपनी मोरी को लेना है पहले, और मोरी पे हम अब मार्क करेंगे। तो देखिए मोरी पे हमें कैसे मार्क करनी है, नीचे से हमें लगभग 1.5 इंचेस पर मार्क करना है और सेकेंड में हमें 4 इंचेस पर मार्क करना है। ये जो हमने मार्किंग की है इसे हम स्केल की हेल्प से सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और इसकी जो बैक साइड है दोनों साइड पे हमें इसी तरह से लाइन को सीधा करके ड्रॉ करना होगा। सो इस तरह से जो लाइन हमने ड्रॉ करा है यहाँ पे, अब हम इसी पे जो हमने फ्रिल बनाई है वो बैठा करके यहाँ पे सिलेंगे। तो जैसे हमने सेंटर पे जो सिलाई लगाई है इसी पे हम एक और सिलाई यहाँ लगा करके इसे इसमें अटैच करना है। तो इस तरह से अच्छे से बैठाते हुए हम इसमें सिलाई, यहाँ पे एक सिलाई हमने लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। सेकेंड वाली जो फ्रिल है इसे भी हम इसी तरह से बैठाएंगे जो हमने मार्किंग की थी इसी पे। अब हमें एक पट्टी लेनी है 1.5 इंच से ये लगभग, और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक पतली सी स्ट्रिप सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पतली वाली स्ट्रिप को सिल लिया है। अब हम अपनी मोहरी में जो हमने फ्रिल बनाई है जिस पे हम सिलाई लगाया है, बस हम सेंटर पे ही हमारी जो स्ट्रिप है इसे बैठा करके हम इसे सिल लेंगे अच्छे से।
सेम दूसरी वाली जो फ्रिल है उसमें भी हमें इसे ऐसे ही बैठा के सिलना है। सो देखिए इसमें हमने इसे तैयार कर लिया है। सेम अब हम दूसरे साइड को भी तैयार करके यहाँ पे, तो देखिए दोनों साइड को हमने अच्छे से तैयार किया है। मोरी को अच्छे से हमने इसमें फ्रिल बना के ऐड कर ली है। अब हम बस इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा फिटिंग का सिलाई हो चुका है और ये हमारा पैंट का जो मोरी है इसका फाइनल लुक है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है और काफ़ी फिनिशिंग से हमारे यहाँ बन के आया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप नैरो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हो तो वीडियो के एंड में मैं उसकी लिंक शेयर कर दूँगी आपके साथ। और मेरे चैनल को एक बार आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, वहाँ पर आपको हर टाइप की वीडियोज़ देखने को मिलेगी, हर टाइप की कटिंग और स्टिचिंग रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी मेरे चैनल पर, तो ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू।